नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कम्पटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है, आज हम लोग इसका 61वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप कल्टिवेशन से रिलेटेड जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी सूचना है कि मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है जिसका नाम है सही बात है। मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उस पर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं उस पर खैर वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे वैसे ही वहाँ पर मैं डेडिकेटेड केवल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो डिफरेंट टाइप के कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे AFO हो या AGTE की जो वैकेंसी आने वाली है, इन पर डेडिकेटेड वीडियो मैं उस पर लाऊंगा। इस चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर मैं केवल और केवल BSc एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाऊंगा और उस चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर आपने उस चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में जो वीडियो मिलेगी कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर के लिए वो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इस पर मैं अभी धीरे धीरे मैं इसको बनाने वाला हूँ, इस चैनल को केवल डिस्क्रिप्टिव के लिए, कि अगर आप BSc एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो आप अच्छे से किस तरीके से पढ़ पाए उस पर ज़्यादा रिलेटेड होगा। मतलब इससे हम बेसिक कंप्लीट करेंगे इस चैनल पर और वहाँ पर हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। तो यही कुछ सूचना थी, आप जाइए और अभी ज्वाइन कर लीजिए, अभी तुरंत ही अगर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, एक सेकंड लगेगा। सेकंड चैनल के नाम से लिंक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहला जो क्रॉप है, मतलब जो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हमको मिली, वो हमको सबसे पहले टर्मिनोलॉजी मिली एरेबल क्रॉप। क्या होता है जान लेते हैं। क्रॉप व्हिच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज, जैसे पोटैटो, टोबैको, राइस, शुगर केन एंड मेज, ऐसी क्रॉप्स जिनको ग्रो करने के लिए हमको प्रिपरेटरी टिलेज करनी पड़ती है। मतलब अच्छे से पहले जुताई करनी पड़ेगी खेत की, उसमें से खरपतवार डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब उसके बाद हम बुआई कर सकते हैं। जैसे आलू, अगर सही से खेत की जुताई नहीं हुई रहेगी तो आलू आप नहीं ग्रो कर पाएंगे, गन्ना इसकी भी आप नहीं कर पाएंगे, गेहूं, धान, धान की भी खेती नहीं कर सकते क्योंकि धान के लिए पडलिंग करनी पड़ती है, तो पडलिंग नहीं कर पाएंगे अगर सही से प्रिपरेटरी टिलेज नहीं करेंगे। तो जो प्रिपरेटरी जो टिलेज होती है वो अगर किसी क्रॉप में बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं एरेबल क्रॉप। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है एले क्रॉप्स। क्रॉप्स सच एज स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मरिक, जिंजर आर ग्रोन इन ए पैसेजेस फॉर्म बाय द रो ऑफ यूकेलिप्टस, सुबबूल एंड कासिया, मेनली टू हास्टन द सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, इन्हांस सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि यूकेलिप्टस, सुबबूल, कासिया जैसे पौधों के बीच में हमको सॉइल इरोजन रोकने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को फिर से इम्प्रूव करने के लिए, और जो सॉइल का फर्टिलाइजर जो घट गया है उसको बढ़ाने के लिए उसमें स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मरिक और जिंजर जैसी क्रॉप को ग्रो करना और सॉइल इरोजन को रोकने वाले क्रॉप को ग्रो करना को बोलते हैं हम एले क्रॉपिंग। सिंपल सी अगर हम बात करें तो प्लांट के साथ साथ क्रॉप की कल्टीवेशन को हम बोलते हैं एले क्रॉप्स। समझ के, बीच बीच में भी पौधों के बीच बीच में क्रॉप को ग्रो करने को बोलते हैं एले क्रॉपिंग। अगला जो टर्म है वो है ऑगमेंटिंग क्रॉप्स, इसको समझ लेते हैं। These crops supplement the yield of the main crops, sowing of mustard with bursin or lucerne to get higher yield in the first cutting. Augmenting crop का मतलब होता है कि किसी crop को additional yield देने के लिए किसी दूसरी crop को उसके साथ बो देना। जैसे जब हम बरसीन की बुआई करते हैं तो बरसीन की पहली कटिंग में हमको प्रॉपर फॉर्डर मिल जाए, इसके लिए हम बरसीन के साथ साथ उसमें मस्टर्ड की भी सीड मिलाकर बो देते हैं, जिससे हमको क्या होता है कि जब पहली बार हम कटाई करते हैं 25 से 30 दिन के बाद, तो हमको बरसीम के साथ साथ मस्टर्ड भी मिल जाता है, जिससे हमारा जो फॉर्डर है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, क्योंकि पहली कटाई में बरसीम ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाती।
आपका मस्टर्ड ग्रो हुआ रहता है तो वो हरा चारा के रूप में यूज कर लिया जाता है। ये तो हो गया एग्यूमेंटिंग क्रॉप। अगला है एवेन्यू क्रॉप। दीज क्रॉप आर ग्रोन एलोंग फ्रॉम रोड एंड फेंस, एग्जाम्पल अरहर, सीसल और ग्लारी सीडिया। कहने का मतलब ये है कि किसी नहर के किनारे या किसी सड़क के किनारे जो प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं उनको हम बोलते हैं एवेन्यू क्रॉप्स। फिर अगला है कैश क्रॉप। कैश का मतलब होता है धन, समझ रहे, रुपया, नोट। सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश। ऐसी क्रॉप जिनको ग्रो किया जाता है कि हमको हार्ड कैश मिल जाए मार्केट में उसको बेचकर, उसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। जैसे जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, इनको बेचकर हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। जैसे मान लो ढेर सारा, अगर आपने जूट की खेती कर ली तो क्या करोगे, जूट का ढेर सारा बोरा बनाओगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी फैक्ट्रीज नहीं है। तो किसान क्या करता है, इसको बेचने के पर्पज से ही बनाता है। ढेर सारा अगर तंबाकू ग्रो कर लोगे तो क्या खुद खाओगे, इतना तो हम खा ही नहीं सकते, तो उसको बेचेंगे। अगर शुगर केन खूब ढेर सारा प्रोड्यूस कर लिए तो चीनी कैसे बनाओगे, चीनी तो बना नहीं सकते। मान लो गुड़ बना लोगे या रस पी लोगे तो वो तो चलता है, वो तो शरबत वरबत पी लोगे तो काम चले जाएगा। चीनी फैक्ट्री में बनेगी तो उसको भी बेचना ही बेचना है। तो मेन पर्पज इस क्रॉप को ग्रो करने का होता है कि हमको इसको बेचना है और बेच के पैसा लेना है। उसके बाद हम बात करें कैच क्रॉप की। कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक। जैसे मान लो कि आप दौड़ रहे हो, 100 मीटर के रेस है, आपने दौड़ना स्टार्ट करा, ठीक, साथ में कई लोग थे, सबके साथ में आपने दौड़ना स्टार्ट किया। बीच में क्या हुआ कि आपका कोई एक साथी गिर गया, उसको पैर में फ्रैक्चर हो गई। अब क्या होगा कि उसके जगह पर कोई दूसरा, जहां वो गिरा है वहीं से कोई दूसरा दौड़ने लगा उसके साथ, जिससे जो फाइनल में पहुंचने का जो जगह है वहां पर हम कैच कर ले जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप। अब देखो ये तो हो गया दूसरे तरीके से समझाने की बात, इसको सीधे सीधे अगर समझे तो कैसा है। दीज आर ग्रोन एज सब्स्टिट्यूट फॉर द मेन क्रॉप दैट हैज फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे कि मान लो आपने एक क्रॉप ग्रो की, ठीक, उस क्रॉप में बाद में कुछ हो गया, चाहे कोई डिजीज लग गई या जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ या किसी और नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपकी जो मेन क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक। अब आपने सोचा था कि इस फसल को हम काट कर कोई दूसरी फसल बोएंगे, लेकिन ये फसल तो आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। अब आप अगर नहीं बुआई करते हैं तो आपका खेत खाली पड़ा रहेगा, अगर आप बुआई करते हैं उसी फसल की फिर से तो आपकी जो अगली फसल आपने काट के बोने वाली थी, जैसे मान लो आप गेहूं काट के धान बोने वाले थे, अगर आपकी गेहूं की फसल अगर खराब हो गई तो अगर आप फिर से उसमें गेहूं बोएंगे तो मान लीजिए 1 महीने की फसल और आगे करके बोएंगे तो एक तो प्रोडक्शन घट जाएगा, ऊपर से अगर देर से बुआई करेंगे तो इसका मैच्योरिटी भी देर से आएगा, तो आपका जो धान की क्रॉप ग्रो करनी है उसके लिए टाइम फिर निकल जाएगा। तो इस वजह से जब आपकी गेहूं की क्रॉप, मेन क्रॉप जो है वो फेल हो जाए किसी तरीके किसी वजह से, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि कम समय में ग्रो हो जाए और हमारा जो धान का समय है उस समय तक वो क्रॉप भी कट के निकल जाए, तो हमारा जो थोड़ा बहुत जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो इसी को हम बोलते हैं कैच क्रॉप, समझ गए। इसके लिए जैसे मान लो कि आपने क्रॉप ग्रो करी है, मेन क्रॉप अगर खराब हो गई तो आप उसमें मूंग की, उर्द की, काउपी या ओनियन की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो अगली वाली फसल है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये सब जो क्रॉप्स होती हैं इनके जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी कम होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कोल क्रॉप्स की, तो कोल क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स होती हैं जो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करने वाली होती हैं, जिनको हम, सॉरी, कुकुरबिटेसी नहीं, क्रूसीफर्स यानी कि गोभी वर्गीय जो फसलें होती हैं उनको हम कोल क्रॉप कहते हैं। जैसे आपका कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, स्प्राउटिंग ब्रोकली हो गया, चाइनीज कैबेज हो गया, और इसी तरीके से कई और जो क्रूसीफर्स वाली क्रॉप्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कोल क्रॉप, जो ठंडी में ग्रो की जाती हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो है कवर क्रॉप या मल्च क्रॉप। बात समझो, कवर करने का मतलब क्या है, ढकना, मल्चिंग करने का वही मतलब ढकना ही होता। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली टू कवर द सॉयल एंड टू रिड्यूस सॉयल मॉइस्चर एंड इरोजन बाय विंड एंड वाटर, एग्जाम्पल लोबिया, ग्राउंड नट, उर्द, स्वीट पोटैटो, इट्सेट। कवर क्रॉप या मल्च क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको जब हम ग्रो करते हैं तो
तो ये जमीन पर फैल जाती हैं, जिससे हमारा जो मिट्टी है वो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है, एक तो उनकी जड़ मिट्टी को कायदे से जकड़े रहती है, जिससे हमारा जो सॉयल इरोजन है वो नहीं होता, चाहे वाटर इरोजन हो चाहे विंड इरोजन हो, दोनों नहीं होता है, तो सॉयल हमारी सुरक्षित हो जाती है। उसके साथ साथ जब कवर ढका रहता है, बिल्कुल आपका जो जमीन है वो ढकी रहेगी, तो इससे जो सॉयल के अंदर का मॉइस्चर है वो भी आपका सुरक्षित बना रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं कवर क्रॉप। जैसे अगर कभी आपने लोबिया का खेत देखा हो या ग्राउंड नट का, तो आप देखेंगे कि उसमें जो लोबिया का फोलियज पार्ट होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो खेत में इस तरीके से फैली रहती हैं कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है, आप ऊपर से देख नहीं सकते कि आपको मिट्टी कहीं दिखे, केवल वही प्लांट ही दिखेंगे। तो उसको बोलते हैं कवर क्रॉप या मल्च क्रॉप। उसके बाद अगर हम जो अगला टर्म है वो है कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स। इन दिस क्रॉपिंग ईच अदर क्रॉप इज बेनिफिटेड बाई इंटरक्रॉपिंग, एग्जाम्पल ज्वार एंड लोबिया। ज्वार रिसीव नाइट्रोजन फ्रॉम लोबिया एंड लोबिया रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम ज्वार। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के सहायक क्रॉप। हमको दो क्रॉप को एक साथ में ग्रो करें, जिससे एक क्रॉप दूसरे क्रॉप की सहायता करें, दोनों आपस में एक दूसरे की सहायता करें, तो इस टाइप की क्रॉप के कम्बिनेशन को ग्रो करने को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री क्रॉप। एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे अगर हम ज्वार और लोबिया को एक साथ ग्रो करेंगे, तो लोबिया चूंकि एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन सॉयल में स्थिरीकरण करता है, फिक्स करता है, तो जो नाइट्रोजन लोबिया एनवायरनमेंट से फिक्स करेगा सॉयल में, उसको ज्वार ले लेगा ग्रो होने में अपने। अब लोबिया को ग्रो होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, तो वो सहारा ले लेगा ज्वार से, तो ज्वार उसको सहारा दे देगा और लोबिया उसको नाइट्रोजन दे देगा, दोनों आपस में खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स। इसके बाद अगला जो टर्म है वो है ले क्रॉप। सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर ग्राजिंग और हार्वेस्टिंग, फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक, एग्जाम्पल बरसीम और मस्टर्ड। कह रहा है कि कोई ऐसी क्रॉप को हम ग्रो करें जिनको हम ग्राजिंग के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए यूज करें, जिसके जानवरों को खिलाने के लिए या फिर हम जानवरों को चराने के लिए अगर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ले क्रॉप्स। इसके बाद फिर है नर्स क्रॉप। दीज क्रॉप्स आर नरिश्ड अदर क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिक्स। नर्स क्रॉप होती है जब कोई एक क्रॉप किसी दूसरे क्रॉप को फायदा पहुंचाती है, तो उसको हम बोलते हैं नर्स क्रॉप। जैसे कि जब आप मटर के खेत में मस्टर्ड की खेती कर लेते हैं, मटर और मस्टर्ड यानी कि पी एंड मस्टर्ड दोनों एक साथ जब ग्रो कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पी को ग्रो होने के लिए सपोर्ट चाहिए ऊपर बढ़ने के लिए, और मस्टर्ड जब उसमें हम लगा देते हैं तो आपका जो पी है वो आराम से मस्टर्ड के सहारे से चढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नर्स क्रॉप। तो नर्स क्रॉप का रोल कौन प्ले कर रहा है, मस्टर्ड। पी और मस्टर्ड के कॉम्बिनेशन में जो मस्टर्ड है वो नर्स क्रॉप का रोल प्ले कर रहा है। नर्स क्रॉप जो है वो सहायता दे रहा है, यानी कि मस्टर्ड जो है वो पी को सहायता दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें पेयर्ड रो क्रॉपिंग की, ईच थर्ड रो इज रिमूव्ड और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर्ड रो इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग। इट इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एंड ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व मॉइस्चर। बात समझो, जैसे मान लो कि ये मैंने कुछ बना दिए, ध्यान से देख लेना एक सेकंड, फिर से बनाते हैं। इस तरीके के आपने रो बना ली, ये ढेर सारे आपके क्या हैं, रो हैं। अब आप काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3, इसको हमने हटा दिया, फिर 1 2 3, फिर इसको हमने हटा दिया, फिर 1 2 3, फिर इसको हमने हटा दिया। तो इस तरीके से जब हम हटाते हैं तो हर तीसरी रो को हम हटा देते हैं, यानी कि बीच में यहाँ वाली रो और यहाँ वाली रो और यहाँ वाली रो, इन तीन जगह की जो रो थी हमने हटा दिया। इससे क्या होगा कि इनके अगल बगल का जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पौधे कम हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारा खेत उतना न्यूट्रिटिव नहीं है, तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। इस तरीके की खेती हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, ड्राई लैंड में करते हैं, जहाँ पर पानी की सही व्यवस्था नहीं होती या हमारी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। तो इस तरीके की अगर हम क्रॉपिंग करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पेयर्ड हो गई हैं हर रो, यानी कि हर जो लाइन है
वो एक दूसरे की जोड़ा बन गया, देखो ध्यान से, तो जोड़े में बन गया, तो इसको हम बोलते हैं पेयर्ड रो क्रॉपिंग। उसके बाद अगर हम अगला बात करें तो है वो रिस्टोरेटिव क्रॉपिंग। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स, सच क्रॉप्स प्रोवाइड ए गुड हार्वेस्ट एलॉन्ग विथ इनरिचमेंट और रिस्टोरेशन और अमेलियोरेशन ऑफ सॉयल। जैसे लिख दूँ, रिस्टोरेटिव क्रॉप ऐसी होती है, जैसे मान लो कि हमने अपनी सॉयल में पहले कोई एक क्रॉप लगाई थी जिसने सॉयल से इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लिया कि हमारी अब जो सॉयल है वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रह गई है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें एक लेगुमिनस क्रॉप ग्रो करेंगे, एक ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जिसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो। तो अगर ऐसी क्रॉप जब हम ग्रो कर लेंगे तो हमारा जो सॉयल है उसका जो न्यूट्रिएंट लॉस हो गया था इससे पहली वाली क्रॉप ग्रो करने से, इस क्रॉप को ग्रो करने से फिर से न्यूट्रिएंट जो थोड़ा है वो बराबर हो जाएगा, फिर से रिस्टोर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला क्या है, स्किप क्रॉपिंग है। स्किप का क्या मतलब होता है? स्किप का मतलब होता है छोड़ छोड़ के। जैसे मान लो कि हमने कहा कि एक ऐसे, मान लो हमने रो बना दिया, ठीक, ध्यान से देखना, ये हमने ऐसे रो बना दिया। अब हमने फिर क्या किया कि बीच बीच में से एक एक को स्किप कर दिया, जो डिलीट हो रहा है इसको समझ रहे हो, मैंने स्किप कर दिया। तो पहले यहाँ पर ये छः थे, ठीक, पहले इतनी लाइन थी, इतनी रो बनी गई थी, लेकिन हमने क्या देखा कि हमारी जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी सही नहीं है या जो हमारी फसल है वो सही से ग्रो नहीं कर पा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बीच में से जो ये रो है इन रो को स्किप कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि वहाँ की फसल या तो डिस्ट्रॉय हो जाए या तो फिर वहाँ हम ग्रो ही नहीं करेंगे, क्रॉप ही नहीं ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होगा, ए लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग इज कॉल्ड स्किप क्रॉपिंग। इस टाइप की जो क्रॉपिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्किप क्रॉपिंग। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो है वो है स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप का मतलब होता है दीज क्रॉप्स प्रोवाइड लार्ज कैनोपी। स्मूदर क्रॉप क्या होती है, दीज क्रॉप्स प्रोवाइड लार्ज कैनोपी एंड क्विक ग्रोइंग एबिलिटी, एग्जाम्पल काउपी, मस्टर्ड एंड सोरगम। ये क्रॉप जो होती हैं इनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है और ये ग्रो बहुत तेज होती हैं, इस वजह से इनको हम बोलते हैं स्मूदर क्रॉप। अगर हम ट्रैप क्रॉप की बात करें या डिकॉय क्रॉप की बात करें तो ट्रैप का क्या मतलब होता है, ट्रैप का मतलब होता है शिकंजा या किसी को फंसाना, फांसा देना। तो ये क्या होता है, ट्रैप क्रॉप में जब ग्रोइंग ऑन बाउंड्री ऑफ द फील्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड सॉयल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट सच एज पैरासिटिक वीड्स, एग्जाम्पल ऑरोबैंकी वीड्स इज ट्रैप्ड बाई सोलोनेसी प्लांट्स। कह रहा है कि जब हम कोई मेन क्रॉप ग्रो करते हैं तो उस मेन क्रॉप में कोई दूसरा इंसेक्ट पेस्ट या कोई सॉयल बॉर्न जो बायो पैथोजन है वो मेन क्रॉप को हमारे ना अफेक्ट करे, इसके लिए हम क्रॉप की बाउंड्री के आसपास में, क्रॉप में बीच बीच में ट्रैप क्रॉप ग्रो कर देते हैं, जिससे हमारा जो पैथोजन है वो पैथोजन मेन क्रॉप में जाकर ना जाकर मेन क्रॉप को ना डैमेज करके जो ट्रैप क्रॉप हमने ग्रो की है उसको डैमेज करे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा ट्रैप्ड बाय सोलोनेसी क्रॉप्स, जो हमारा ऑरोबैंकी है, ये एक वीड होता है, अगर इसको हमको रोकना है तो हम बीच बीच में सोलोनेसी क्रॉप ग्रो कर देंगे। जैसे हम मान लीजिए कि हमने कोई एक मेन क्रॉप ग्रो कर रही है, उस क्रॉप में ऑरोबैंकी ज़्यादा आ रहा है, ये वीड ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उस वीड को रोकने के लिए सोलोनेसी की क्रॉप कोई कोई लगा देंगे बीच में, तो जिससे हमारा जो ये वीड है ये सोलोनेसी पे चला जाएगा और हमारा जो ये क्रॉप है ये सुरक्षित बच जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें साइलेज क्रॉप की, सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रिवेंट इन पिट्स इन ए सकुलेंट कंडीशन बाई ए प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन एंड एसिडिफिकेशन ऑफ फीडिंग लाइफ स्टॉक ड्यूरिंग लीन मंथ ऑफ ऑन और ऑन सीजन, एग्जाम्पल बरसीन या काउपी। बात समझो कि साइलेज क्रॉप क्या होती है,
जैसे कि हम ये देखते हैं कि पूरे ईयर में एक सा नहीं रहता है क्रॉप फोलियज। कभी ऐसा मौसम आता है जब हमारे पास फॉडर नहीं होता है, बरसात के मौसम में खूब चारा रहेगा, लेकिन जब मई जून जुलाई का महीना आएगा, मई जून का महीना, उस समय फॉडर नहीं होता, हमारे पास कोई भी चारा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास बरसात में ढेर सारा चारा जब हो जाता है, ग्रो कर लेते हैं, तब उसको हम काट लेते हैं और काट कर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उन्हीं गड्ढों में उसको कायदे से दबा कर रख दिया जाता है, जिससे आने वाले जो गर्मी का मौसम है, उस गर्मी के मौसम में हम उस चारे को निकाल कर फिर से यूज कर सकें। तो इसी को हम बोलते हैं साइलेज क्रॉप। इसमें हम बरसीन को यूज करते हैं, काउपी को यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो ज्वार या चरी होती है उसको भी हम यूज करते हैं साइलेज बनाने में। फिर अगला है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग ये होती है, इट इज ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पर्टिकुलर फार्म व्हिच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक पाउल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, सस्टेनिंग एंड सेटिस्फाइंग एज मेनी नीड्स ऑफ द फार्मर एज पॉसिबल। कह रहा है कि ऐसी क्रॉप को ग्रो करना और क्रॉप के साथ साथ फिशरीज करना या पाउल्ट्री करना या लाइव स्टॉक करना। लाइव स्टॉक का मतलब पशुओं को पालना, चाहे भेड़, बकरी, सुअर, गधा, कुछ भी पाल लो, ऊँट, ये सब लाइव स्टॉक में आते हैं। पाउल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, फिशरीज मतलब झींगा की खेती, या ऐसे बोल सकते हो कि मछली की खेती, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, इन सब चीज़ों को करना, खेती के साथ साथ इन सब चीज़ों को करना भी क्या कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। फिर अगला है क्रॉप रोटेशन। रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन द सेम लैंड इज ए रिक्रूटिंग सक्सेशन। कह रहा है कि किसी एक लैंड में क्रॉप के ग्रो करने के जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रोइंग, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे कि हमने गेहूं धान, गेहूं धान, गेहूं धान, गेहूं धान, ऐसे हम बुआई कर रहे हैं। पहले गेहूं बोएंगे, फिर धान, गेहूं काटेंगे, धान बोएंगे, धान काटेंगे, गेहूं बोएंगे। तो ये क्या हो गया कि वीट एंड राइस, ये क्या हो गया है, क्रॉप रोटेशन हो गया। उसके बाद क्या है, मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर। रिफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। कह रहा है कि ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल दर साल केवल एक ही फसल को एक खेत में ग्रो करना कहलाता है मोनोक्रॉपिंग। जैसे कि जो कुछ तलहटी एरिया हैं, नदी के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है कि रबी के सीजन में गेहूं की खेती कर लेते हैं, लेकिन बरसात के समय में, खरीफ के सीजन में, हम धान की खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय खेत में नदी का पानी भरा होता है। तो फिर अगली साल फिर गेहूं, फिर उसके बाद फिर गेहूं, क्योंकि बरसात के समय में पानी भरा रहेगा, कुछ खेती नहीं कर पाएंगे, तो केवल गेहूं गेहूं इसको कर रहे हैं। तो इस तरीके की खेती को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर बोलते हैं। उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही खेत में एक ही टाइम पर ढेर सारी क्रॉप्स को बोना, एक से अधिक क्रॉप को ग्रो करना ही होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें कई तरीके होते हैं। एक तो होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जब हम दो रो ग्रो करते हैं और बीच बीच में कोई एक और रो ग्रो कर लेते हैं किसी एक क्रॉप की। जैसे मान लेते हैं कि हमने गेहूं ग्रो किया, ठीक, गेहूं और मस्टर्ड एक साथ, वीट एंड मस्टर्ड की खेती कर रहे हैं, तो हमने 5 लाइन 6 लाइन गेहूं की ग्रो की और फिर बीच में हमने एक एक रो मस्टर्ड की लगा दी, तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। उसके बाद है मिक्स क्रॉपिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मिक्स्ड फार्मिंग, अब हम पढ़ रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या था, एग्रीकल्चर के साथ साथ, खेती के साथ साथ, पशुपालन करना, मधुमक्खी पालन करना या मछली पालन करना, ये सब करना, वो क्या था, मिक्स्ड फार्मिंग था। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमल्टेनियसली इंटरमिंगल्ड विदाउट एनी पैटर्न, बिना किसी पैटर्न के एक साथ ग्रो करना। जैसे गेहूं और सरसों को एक साथ हमने ग्रो कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग, बिना किसी रो के, कोई बिना कोई कोई रो का पैटर्न नहीं है, बस एक साथ मिला के बो दिया। इसके बाद फिर है सीक्वेंस क्रॉपिंग। एज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन ए सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। किसी एक पीस ऑफ लैंड पर सीक्वेंस में
एक के बाद एक क्रॉप को ग्रो करना क्या कहलाता है? सीक्वेंस क्रॉपिंग कहलाता है। फिर होता है अगला पॉइंट रिले क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, जैसे आपने रिले रेस देखा होगा, इसमें 400 मीटर की दौड़ होती है और चार प्लेयर होते हैं, एक टीम में चार प्लेयर। पहला प्लेयर 100 मीटर दौड़ता है, दूसरा प्लेयर आगे के 100 मीटर दौड़ता है, फिर तीसरा प्लेयर आगे के 100 मीटर दौड़ता है और चौथा प्लेयर आगे के 100 मीटर दौड़कर फिर फाइनल कंप्लीट करता है। इस तरीके को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि हाथ में एक उनके रोल दिया गया रहता है, तो जो पहला बंदा दौड़ना स्टार्ट करता है पहले 100 मीटर के लिए, वो दौड़ता है और दूसरे बंदे को फिर वो रोल दे देता है। इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। अब बात समझते हैं सिंपल भाषा में कैसे। रिफर्स टू ग्रोइंग ए सेकंड क्रॉप बिटवीन द रो ऑफ द मेन क्रॉप व्हिच इज रेडी टू हार्वेस्ट शॉर्टली। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि हमने धान की क्रॉप ग्रो करी है, ठीक, आने वाले 10 से 15 दिन में हमने धान को हार्वेस्ट करना है, तो हमको हार्वेस्ट करना है 10 से 15 दिन में। हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले हम क्या करेंगे कि जो धान की रो है बीच बीच में वहाँ पर हमने बरसीन की बुआई कर दी, समझ गए। अब क्या होगा कि 15 दिन बाद हम धान की कटाई तो कर लेंगे, धान जो हमारा है उसकी कटाई तो कर लेंगे, फिर हमारा जो बरसीन हमने पहले से बुआई करी थी 15 दिन में उसका जर्मिनेशन भी आसानी से हो जाएगा। तो एक क्रॉप को काटने से कुछ दिन पहले दूसरी क्रॉप को उसी खेत में बुआई कर देना ही कहलाता है रिले क्रॉपिंग। फिर रेटूनिंग क्या होता है, जिस तरीके से दाढ़ी काटते हो, इधर दाढ़ी छीला फिर बढ़ गई, फिर दाढ़ी छील दिया फिर बढ़ गई, उसी तरीके का कुछ होता है ये रेटूनिंग। जैसे गन्ना है, एक बार हमने गन्ने को ग्रो करा, शुगर केन को हार्वेस्ट करके उसको बेच दिया, अब उसका जो जड़ है वहीं से फिर से सकर्स निकलेंगे, फिर से स्प्राउटिंग होगी और फिर से प्लांट बन जाएगा, फिर से गन्ना लग जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं रेटूनिंग। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सेकेंड क्रॉप फ्रॉम प्रीवियस वन, पिछली क्रॉप के जो अवशेष बचे हैं वहाँ से एक नई क्रॉप ग्रो हो जाए उसको लेना ही कहलाता है रेटूनिंग। तो ये कुछ आपके जो टर्मिनोलॉजीज थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।